देखिए कहीं इसको कहीं टाका चीरा कुछ नहीं लगा है, स्प्लेनिक इंजुरी थी इनको, ग्रेड 4 थी। केस बहुत चैलेंजिंग होता है, ऐसे केस कभी कभार हाथ से निकल भी जाते हैं अच्छी सर्जरी के बावजूद भी। करीब 15 दिन पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, सीने में पेट में बहुत चोट आई थी। तो इनका मैंने अल्ट्रासाउंड जब देखा तो ग्रेड 4 स्प्लेनिक इंजुरी था, बचने की संभावना नहीं भी होती, स्प्लेन रप्चर हो गया पूरा पेट में। और बिना ऑपरेशन के, बिना चीर फाड़ के ये पेशेंट मेरा यहाँ से वापस जा रहा है। उधर से एक स्कॉर्पियो जा रहा है, इधर से मैं आ रहे थे, एक बाइक में तीनों गाड़ी ने टकरा गया। डॉक्टर हमारी जान बचाते हैं, इसलिए धरती पर डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। आज फिर से हम आपको इसी कड़ी में एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आपको बेहद खुशी होगी और सच में आप मानेंगे कि हाँ, सच में डॉक्टर हमारी जान बचाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जिले के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ जो कि दिल के डॉक्टर हैं और काफ़ी खुश दिल इंसान हैं, डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी सर का। और उनके सामने जिस पेशेंट को आप देख रहे हैं, एक भीषण दुर्घटना इनके साथ हुई थी, एक भीषण एक्सीडेंट में इनकी छाती और इनके पेट में गंभीर चोट आई थी। उस एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी परिजन परेशान थे, इन्हें दूसरे जगह ले जाया गया लेकिन वहाँ इनकी स्थिति ठीक नहीं हुई, फिर इनको यहाँ लाया गया सर के अस्पताल में और अब ये बेहतर हैं, ठीक है, स्वस्थ हैं और आज होली से पहले अपने घर जा रहे हैं। अब अपने परिवार के साथ ये खुशियों भरा पल बिताएंगे, होली मनाएंगे। तो हम थैंक्स कहेंगे, शुभकामना देंगे डॉक्टर रंजन सर और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने इस गंभीर कह सकते हैं इस क्रिटिकल और मेजर केस को सॉल्व किया और उनके परिजनों को खुशी दी। सबसे पहले सर आभार, धन्यवाद, थैंक्स सर और बहुत बहुत बधाई कि पुनः आपने इस तरह के क्रिटिकल केस को सॉल्व किया है, हम पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, KBS स्टूडियो का आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि इस केस के बारे में बता रहे थे, करीब 15 दिन पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होकर के कहीं लोकल इलाज के लिए गए, इनकी स्थिति गंभीर हो गई थी, इनको सीने में पेट में बहुत चोट आई थी और इनके पूरे परिवार का इलाज मेरे यहाँ ही होता है। इनका एक मेरे ऊपर विश्वास था, भरोसा था, ये मेरे पास आए और जब ये आए थे चोट तो इनका मैंने अल्ट्रासाउंड जब देखा तो ग्रेड 4 स्प्लेनिक इंजुरी था। ऐसे केस बहुत ही सीरियस होते हैं, बचने की संभावना नहीं भी होती, कि स्प्लीन रप्चर हो गया पूरा पेट में, लीवर में भी चोट थी, स्प्लीन में भी चोट थी, रप्चर हो गया था। और हमने डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर्जन हैं उनसे संपर्क किया, कैसा ऐसा है, मेरे पास ICU में केस भर्ती है, सो हो सकता है सर्जरी की ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में, क्योंकि स्प्लीनिक इंजुरी है। ये हीमोडायनामिकली अनस्टेबल थे, मतलब सीरियस थे, BP पल्स नहीं मिल रहा था और भी इनको परेशानियाँ थी, चेस्ट पेन हो रहा था क्योंकि छाती में भी चोट लगी हुई थी। सो हमने इसका इलाज शुरू किया, डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने भरोसा जताया, मैंने बोला कि आप इनको अपने यहाँ OT शिफ्ट करिए, तो उन्होंने बोला नहीं, पहले थोड़ा सा इनका कंडीशन सही हो जाए तब फिर हम इनका जैसा हुआ करेंगे। धीरे धीरे इनका कंडीशन इम्प्रूव होते गया और बिना ऑपरेशन के, बिना चीर फाड़ के ये पेशेंट मेरा यहाँ से वापस जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जनरल सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह का स्पेशल, उन्होंने हमारा साथ दिया और इस पेशेंट के साथ वो लगातार रोज़ आकर के देखते रहे, मिलते रहे और कभी भी घबराने नहीं दिए। नहीं तो आप दिखा सकते हैं इनका कि इनको कोई भी चीरा टाका नहीं लगा है, देखिए कहीं इसको कहीं टाका चीरा कुछ नहीं लगा है, स्प्लेनिक इंजुरी थी इनको, ग्रेड 4 थी और ये सुरक्षित वापस जा रहे हैं। ये केस बहुत चैलेंजिंग होता है, ऐसे केस कभी कभार हाथ से निकल भी जाते हैं अच्छी सर्जरी के बावजूद भी, अच्छे केयर के बावजूद भी, लेकिन इन्होंने धैर्य रखा, हमारे डॉक्टर्स की टीम ने, नर्स की टीम ने 24 आवर इनका सेवा किया, मेहनत किया और खुशी मिल रही है कि बिना चीर फाड़ करके ये जा रहे हैं। अब पल्स, BP सब चीज़ है, कोई दर्द नहीं है अब इनको, पेशेंट ठीक ठाक है। हीमोग्लोबिन जब ये आए थे उस समय हीमोग्लोबिन 6 से 7 के बीच था, हमें लग रहा था कि अंदर ब्लीडिंग हो रहा होगा लेकिन उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुआ, आज 12-13 इनका हीमोग्लोबिन है और अच्छे से ये जा रहे हैं। हम इनके पूरे परिवार को शुभकामना देते हैं और विजय कुमार सिंह को, डॉक्टर विजय कुमार सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आगे ऐसे ही चैलेंजिंग केसेस को वो डील करें और हम लोग उनका सहयोग करेंगे।
सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इससे हटकर एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे आपसे कि लगातार हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है शहर में सर, कई लोग बिना मतलब कई ऐसे लोग हैं जो एक घंटा पहले ठीक रहते हैं और एक घंटे के बाद खबर आती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। काफ़ी कह सकते महामारी की तरह यह फैल रहा है हार्ट अटैक सर। तो यहाँ से जो हमारे व्यूअर्स दर्शक देख पा रहे होंगे, एज ए हार्ट स्पेशलिस्ट क्या मैसेज करना चाहेंगे आप? देखिए, जो आपका क्वेश्चन है जेन्युइन है, जायज क्वेश्चन है। अब लगातार सुन रहे होंगे, अभी हाल फिलहाल में आपने सुना हो राजू श्रीवास्तव जी स्टेज कार्यक्रम में, उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया, डेथ कर गए। हमारे बेगूसराय में डॉक्टर एपी साहा सर ENT स्पेशलिस्ट थे और बहुत ही बड़े सर्जन थे नाक कान गला रोग के, और उनको जयपुर में हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनका इलाज भी करने का प्रयास किया गया और वो उनका भी डेथ हो गया। ऐसे केसेस बहुत सारे आ रहे हैं जो आप लोगों को जानकारी में नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट का हूँ तो मुझे जानकारियाँ रहती है। कल भी एक केस बेगूसराय के रजनीश जी हैं, उनके पिताजी भी डॉक्टर थे, कल उनका भी देहांत हो गया, हार्ट अटैक से देहांत हो गया, उसमें इन्वॉल्व थे। ऐसे केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ऐसा नहीं है कि बिना कारण कैसा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आदमी स्ट्रेस में रह रहा है, स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। खान पान की अनियमितता, अच्छे से खाना पीना नहीं खा रहे हैं, अनियमित खा रहे हैं। स्मोकिंग, पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वो वातावरण पोल्यूटेड है। आप देख सकते हैं कहीं का आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि इंडिया में बेगूसराय ज़िला सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर है। तो ऐसा बेगूसराय ज़िला तो पोल्यूटेड है, ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जो इसी लेवल के पोल्यूशन का है, जैसे पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, भागलपुर हो गया, ऐसे ही देश के अन्य ज़िलों में भी पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। जेनेटिक फैक्टर भी कारण है कि जिनके फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है तो उनमें होने की संभावना होती है। और स्मोकिंग हो गया, हम लोग सेकेंड हैंड स्मोकर हो गए हैं। हम स्मोकिंग नहीं भी करते लेकिन पीपल्स करते हैं, स्मोकिंग लोग करते हैं, तो उसका भी इफेक्ट हम लोगों पड़ता है। तो स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। और एक कारण मोबाइल भी है हम लोगों का, कि पहले कुछ हम किसी से मिलने जुलने जाते थे, घर पे जाते थे, पैदल रिक्शा किसी ढंग से जाते थे, आजकल मोबाइल से इंसान सारा संदेश हम देते हैं, मिल नहीं पाते हैं, जुल नहीं पाते हैं। और अगर समाज में घुल मिल के नहीं रहेंगे, अपने दुख सुख को नहीं बांटेंगे समाज दूसरे से, तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, वो एक महत्वपूर्ण कारण है। फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज की कमी, दो कारणों से ऐसा हो गया है। जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं वो कॉन्वेंट जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, सुबह शाम पढ़ाई करते रहते हैं, उनको खेलने के लिए स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। पहले जिस समय बेगूसराय का पॉपुलेशन 5 लाख था तब भी एक मेरे पास गांधी स्टेडियम ही हुआ करता था, आज 30 लाख पॉपुलेशन है तब भी एक मात्र गांधी स्टेडियम ही, कोई नया ग्राउंड नहीं बना है। हमारे पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ, सड़कें बढ़ने के साथ, विकास होने के साथ साथ, हमारे यहाँ ग्राउंड का भी निर्माण उसी हिसाब से होना चाहिए ताकि हर क्षेत्र के बच्चे जाकर फिजिकल एक्टिविटी करें। और ये हृदय रोग से अगर बचना है तो बचपन से ही इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ये नहीं कि आप 35 साल के हुए, 40 साल के हुए, तो अब हम ध्यान देना शुरू करें क्योंकि हम बचें, तब तक आपको रोग जकड़ लेता है जो कि पता नहीं चल पाता है। इसलिए बचपन से ही इस पर आपको काम करना पड़ेगा। सारे स्कूल्स में, कॉलेजेज में एक पीरियड 1 घंटे का जो कि फिजिकल एक्टिविटी का पीरियड होना चाहिए। पहले ज़माने में शनिवार के दिन डेली ललित कला कार्यक्रम होता था जिसमें लोग बच्चों को खेती करवाया था, खुरपी दिलाना, पानी देना, पानी पौधों में दिलाना जाता था, हर किसी को उस पर मार्किंग होता था, लेकिन आजकल वो चीज़ बंद हो गया है, नहीं कर पा रहे हैं। और हर दिन शाम के 1 घंटे मैदान में बीतते थे बच्चों को, मैदान से सिकुड़ते जा रहा है, इसलिए बीमारियां बढ़ती जा रही है। एज ए हार्ट स्पेशलिस्ट क्या मैसेज करना चाहेंगे, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो किस तरह से तुरंत उनको क्या करना चाहिए प्राथमिक उपचार के लिए? देखिए, प्राथमिक हार्ट अटैक का प्राथमिक उपचार आप घर में नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सिम्टम हार्ट अटैक का लग रहा है, जैसे बहुत लोग गैस करके आप उसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि गैस के परेशानियां हो रही है, तो गैस की परेशानियों को उसको नहीं समझना चाहिए। अगर किसी को छाती भारी लग रहा है, जो पहले कभी नहीं लगता था, छाती में दर्द हो रहा है, दोनों हाथ में दर्द आ रहा है, इस गले में इसे दर्द जा रहा है या पीछे जा रहा है, अनायास पसीना चलने लगा दर्द के साथ, तो आप तुरंत निकटतम किसी अपने हृदय रोग विशेषज्ञ के पास पहुंच जाएं, जितना जल्दी हो जाए। हमारे पास 3 आवर गोल्डन पीरियड होता है,
उस 3 घंटे का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ के किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुँचने में 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगे। आपको 3 घंटे में कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे अच्छे। तुरंत ECG करवाया जाए। अभी सब जिले में कम से कम इकोकार्डियोग्राफी सेंटर की उपलब्धता हो गई है। इकोकार्डियोग्राफी हो सकता है, ECG हो सकता है। अब तो बेगूसराय ज़िले में आपको कैथ लैब भी लग गया है। हम लोगों ने प्रयास किया, एक नया कैथ लैब का शुरुआत की है ताकि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो जाए। अगर किसी को कुछ है, हार्ट में परेशानियां हैं, उस ब्लॉकेज को हम लोग खोल सकते हैं, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, तो इससे समाधान निकल सकता है। उसमें अगर देरी होता है तो आपका गोल्डन पीरियड मिस हो रहा है। तो आप अगर बच भी जाते हैं तो आपका हार्ट कमज़ोर हार्ट बन के रहता है। तो सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट इलाज यही है कि आप निकटतम डॉक्टर के पास पहुँचें और लगातार संपर्क में रहें। 30 साल ज़्यादा का अगर उम्र आपकी हो रही है तो आप रेगुलर 1-2 साल में अपना हार्ट का कंप्लीट चेकअप करवाएं, जिसमें ECG, इकोकार्डियोग्राफी, TMT बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना कोलेस्ट्रॉल का जांच करवाते रहें, शुगर का जांच करवाते रहें, ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग करवाते रहें, तो आप हद तक हार्ट अटैक से बच सकते हैं और मौत से बच सकते हैं। ये आपके लिए है, पूरे परिवार के लिए है, पूरे समाज के लिए है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और पुनः हमारी ओर से भी और आपकी पूरी टीम को आपको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम ये चाहेंगे जिस तरह से इस मेजर और क्रिटिकल केस को आपने सॉल्व किया है, आगे भी इस तरह से आप करते रहें, आप यशस्वी हो, हमारी ओर से यह कामना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद KB स्टूडियो को और होली की शुभकामनाएं। बेगूसराय के लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सर हमारे साथ थे। सर, सबसे पहले थैंक्स आपका कि इस क्रिटिकल और मेजर केस को बिना सर्जरी के आपने सॉल्व किया डॉक्टर रंजन सर के साथ, उनकी टीम के साथ, और पेशेंट आज डिस्चार्ज होकर के परिवार के साथ होली मनाएगा। हम जानना चाहेंगे उस क्रिटिकल केस के बारे में और कैसे ये संभव हो पाया। केस तो जब पेट में चोट लगती है, स्प्लीन फट जाता है, तो केस तो क्रिटिकल होता ही है, पर उसके अपने बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं जो हमें देखने पड़ते हैं कि अगर पेशेंट को हम बिना ऑपरेशन के मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि पेशेंट का वाइटल स्टेबल है कि नहीं, ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक है कि नहीं, पल्स ठीक है कि नहीं, बाकी चीज़ें अगर सही हैं तो उनको मैनेज किया जा सकता है। इनके लिए फ़ायदेमंद और भी बहुत सारी चीज़ें थी इस केस में कि उम्र कम था, कोई रिबाउंड टेंडेंस या पेरिटोनाइटिस के लक्षण नहीं आ रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। तो हम लोगों को ये लगा कि इनको बिना ऑपरेशन के मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि देखिए, एक डॉक्टर के हैसियत से ये सोचना ज़रूरी है कि पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद क्या चीज़ है। क्या ऑपरेशन करने से पेशेंट को फ़ायदा होगा या बिना ऑपरेशन के उसको मैनेज किए हुए पेशेंट ज़्यादा सही रह सकता है। स्प्लीन को निकाल देने से पेशेंट को काफ़ी सारा नुकसान है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत सारे वैक्सीन लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों से अगर पेशेंट को बचाया जा सकता है तो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है और हमें भी अच्छा महसूस होता है। ये जो केस सर्जरी का था वो बिना सर्जरी का कैसे हो पाया? नहीं, देखिए, पहले होता था कि स्प्लीन अगर फटा हुआ है, Grade 3 है, Grade 4 है, तो लोग सोचते थे कि नहीं, तुरंत ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, इसको तो तुरंत ही कर देना चाहिए, नहीं तो पेशेंट बचेगा ही नहीं। लेकिन उसके बहुत सारे अपने क्राइटेरिया हैं जिसके हिसाब से हम लोगों को सोचना पड़ता है कि ऑपरेशन करना ज़रूरी है या नहीं। तो जब ये पेशेंट आए थे तो जिसे हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं हीमोडाइनमिकली स्टेबल थे, मतलब ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह सब कुछ सही था इनका, हीमोग्लोबिन थोड़ा कम था पर, और हमें जिसके लिए ब्लड भी चढ़ाना पड़ा, पर बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ा हमें, है ना। कि जैसे अगर पेशेंट को 4 से ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब ऑपरेशन की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। अगर पहले 24 घंटे में पेशेंट ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर वो ये उम्मीद जगती है कि नहीं, इसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं, मतलब बिना ऑपरेशन के मैनेज कर सकते हैं। और ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस पहले 24 घंटे में ही हो जाते हैं, अगर फटने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें। तो ये सब चीज़ देखते हुए हम लोगों को लगा कि नहीं, कंजर्वेटिवली इसको बिना ऑपरेशन के हम लोग कोशिश कर सकते हैं इसको ठीक करने का। सर, सर आपने और आपकी टीम ने इस केस को सॉल्व किया बिना सर्जरी के और यह मेजर क्रिटिकल केस सॉल्व हो गया। अब वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। हमारी ओर से पुनः आपको थैंक्स और होली की बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ और मरीज को भी बहुत बहुत बधाई। जिस क्रिटिकल पेशेंट
के बारे में हम बात कर रहे थे वो हमारे सामने हैं, डॉक्टर रंजन चौधरी सर के यहाँ इलाजरत हैं और अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और आज ये यहाँ से डिस्चार्ज होकर के अपने घर जा रहे हैं। भाई नाम जाना चाहेंगे आपका? दिनेश यादव। क्या नाम है? दिनेश यादव। दिनेश यादव कहाँ के रहने वाले हैं? मौजी, छोटकी मौजी। क्या दिक्कत था आपको? दिक्कत यही था कि पेट में यानी दर्द आराम हो गया है, छाती में जो है हल्का सा दर्द है। दिक्कत क्या हुआ था? दिक्कत हुआ है उधर से एक स्कॉर्पियो जा रहा है, इधर से मैं आ रहे थे, एक बाइक ने तीनों गाड़ी ने टकरा गया तो मैं फेंका गए, गाछ में चोट आ गया। चोट लग गया था? जी। तो कहाँ चोट लगा था आपको? ये जो है छाती में और पेट में। क्या दिक्कत हुआ था आपको चोट लगने के बाद? परेशानी क्या हो रही थी आपको? परेशानी धीरे धीरे सूजन आ रहा था, दर्द हो रहा था, दर्द होते हुए यहाँ पर आए, पहले समस्तीपुर गए, समस्तीपुर में खून जम गया पूरा पेट में छाती में, उसके बाद वहाँ से दो दिन के बाद यहाँ आए तो दो तीन दिन दवाई चला तो धीरे धीरे कंट्रोल में आया, तो सिर्फ हल्का सा यहाँ छाती में दर्द है। अभी आप ठीक हैं? अभी ठीक हैं, डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद चाहते हैं, अब हम ठीक हैं। तो आप देख सकते हैं इनको दिक्कत था, एक्सीडेंट हो गया था, परेशान थे चोट से, काफ़ी बहुत दर्द हो रहा था इनको सीने में पेट में और ये ट्रीटमेंट के लिए समस्तीपुर गए थे लेकिन अब यहाँ आए, जब इनका इलाज हुआ यहाँ पर अब बेहतर हैं। इन्होंने धन्यवाद किया है डॉक्टर साहब को और तमाम जो नर्सिंग स्टाफ है उनको, इनके साथ जो इनके परिजन आए हैं हम उनसे बात करेंगे। भाई नाम क्या है आपका? मंटुन कुमार। मंटुन कौन है आप? इनके भाई हैं। क्या दिक्कत हुआ बताइए तो? इनको वही एक्सीडेंट हुआ था ना तो पूरा ये इसमें सूजन हुआ था, खून उन सब जम गए थे तो ये फेफड़ा का चमड़ा था वो थोड़ा फट गया था, तो अब सही हो गए। सही हो गया। अब जा रहे हैं घर? अब घर जा रहे हैं। तो शरीर यहाँ का क्या व्यवहार रहा? यहाँ सही रहते हैं, हम पहले भी आए थे यहाँ इलाज कराने इसीलिए फिर आए हैं। जी डॉक्टर साहब के लिए हम पहले से भी धन्यवाद करते हैं। अभी भी ये अच्छा बताया ना, मेरा भाई बोला कि वो वहाँ पर जांच अच्छा होता है, से बनारस में रहता है, बनारस से आया है तो मेरे को समस्तीपुर से उठा के यहाँ लाया। पहले भाई का यहाँ इलाज हुआ? पहले भाई को यहाँ इलाज हो रहा था, भाई ठीक हो गया तो मेरे को भी जानकारी मिला तो मेरे को उठा के लाया यहाँ पर, यहाँ तो मैं ठीक है। मेरा लड़का है। क्या दिक्कत हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। कब लाए थे इनको यहाँ? 22 तारीख को ले। अब इनका स्थिति क्या है? स्थिति बहुत सही है, जो हम स्थिति में लाए थे वो स्थिति बिल्कुल हमको यहाँ सही हो गया। दर्द तो पूरा इसको मतलब बेचैन था, वहाँ पर समस्तीपुर में थे। अब ठीक है? हाँ बिल्कुल अभी ठीक है। क्या करना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? डॉक्टर साहब हमको बहुत यहाँ तमाम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं, यहाँ का स्टाफ को धन्यवाद। तो एम्स हॉस्पिटल बेगूसराय में हम अभी आए हुए थे, इस क्रिटिकल और मेजर केस को आप तक पहुँचाया, ये जानकारी बस आपको जागरूक करने का है कि किस तरह से क्रिटिकल और मेजर केस को भी यहाँ आसानी से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि बेगूसराय पटना के बाद मेडिकल हब बनता जा रहा है और ये संभव हो पाया है डॉक्टर रंजन चौधरी सर, डॉक्टर विजय सर, ये तमाम जो लोग हमारे शहर में डॉक्टर साहब हैं उनकी टीम और ये वेल मैनेजमेंट की वजह से। तो नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर साहब को बहुत थैंक्स और हम चाहेंगे परिजन घबराए नहीं, इस तरह की दिक्कतें हों तो आप बेहिचक यहाँ आ सकते हैं और आपका सही इलाज होगा और आप भी इनकी तरह स्वस्थ होकर के अपने घर जा सकते हैं। क्रमें सुजीत के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बिहार।